हे गाइस, मैं तुषार साहू एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हमारे पास में ऑल न्यू ह्यूंडई ऑरा कार है, जो कि आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, वाइट कलर की है। इस गाड़ी के अंदर सारी लेटेस्ट इंस्टॉल करेंगे और इसको बनाएंगे एकदम बेटर। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, अभी सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो भाई ये हमारी ऑल न्यू ऑरा कार है, रिसेंटली 2023 वेरिएंट, जो कि कंपनी ने फ्रंट जो ग्रिल है इसका चेंज किया है, जैसे कि आपको न्यूस में देखने को मिलेगा। यहाँ देखेंगे अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी बढ़िया डायमंड कट के हैं, ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन ह्यूंडई के ओरिजिनल। चलिए एक्सटी है, एसएस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे में क्लैडिंग मिल जाता है, यहाँ देख सकते हैं डोर क्लैडिंग जिसे कहा जाता है, यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है और यहाँ पर डोर वाइज़र का इंस्टॉलेशन भी किया गया। तो ब्लैक कलर के डोर वाइज़र और गाड़ी के लिए आपको प्रॉपर मिल जाते हैं, रेन वाइज़र भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ सेट ऑफ फोर पीस मिलते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर फॉर ऑरा आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो प्रॉपर ऑरा गाड़ी के लिए आपको आफ्टर मार्केट मिलते हैं। तो डोर वाइज़र चारों तरफ लगा दिए गए हैं, इसके अलावा बैक साइड में आप देखेंगे तो उसका जो स्पॉयलर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक के साथ में आपको मिलता है, वाइट कलर की ऑरा गाड़ी है। अभी एक्सटी एस के अलावा आप हम बात करें यहाँ पर इंटीरियर की, तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया स्टेयरिंग आपको मिल जाता है, जिसमें स्ट्रेचेबल वाला स्टेयरिंग कवर यहाँ पर लगाया गया है, रेड स्ट्रेचिंग के साथ में काफ़ी बढ़िया है। और टॉप वेरियंट गाड़ी है, इसमें म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाता है, ड्यूल टोन कलर का डैशबोर्ड है और फ्लोर की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर अभी लगाया जा रहा है भाई फ्लोर लैमिनेशन। अभी ये क्या होता है, ये एक लेदर सीट है जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, और ये आपका कंपनी का ओरिजिनल कारपेट है, तो उसमें धूल मिट्टी लग जाती है, इसके वजह से ख़राब हो जाता होने लगता है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए देखिए ये फ्लोर लैमिनेशन का इंस्टॉलेशन यहाँ पर किया जा रहा है। अब ये जो लेदर सीट है ये कारपेट के ऊपर जाके चिपक जाती है, इसके बैक साइड में एक वेल्को स्ट्रिक है और ये वेल्को स्ट्रिक इसके ऊपर कारपेट पर जाके चिपक जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो गाड़ी का फ्लोर है वो वाटर प्रूफ डस्ट प्रूफ हो जाता है, तो बढ़िया आप इसे लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए पहले आप देखें सीटों को बाहर निकाल लिया गया है और इसके बाद में इसका इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। अभी ये जो कॉर्नर्स रहते हैं ये फाइबर पार्ट के अंदर सील हो जाते हैं, तो गाड़ी के अंदर में डस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं जाती है, वैक्यूम क्लीनर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। यहाँ आप देखेंगे हैंडब्रेक के पास में आर्मरेस्ट नहीं है, तो आफ्टर मार्केट आर्मरेस्ट भी मिल जाता है आपको वुडन वाला, वो भी मैं आपको बताऊँगा। बाकी अभी लैमिनेशन का काम चल रहा है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। चलिए इस लैमिनेशन की खास बात है, इसकी थिकनेस देखिए काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर आपको थिकनेस को ज़्यादा मिलेगी। ये बैक साइड में ये वेलक्रो स्ट्रिक है, ये जो है ना कारपेट पे जाके चिपक जाती है, देखिए इस तरीके से आवाज़ आपको मिलेगी, ये कारपेट पे जाके चिपक जाता है। तो ये चीज़ लगाना काफ़ी ज़रूरी है, आप देखेंगे ये यहाँ पर पूरा इंस्टॉलेशन यहाँ पर चल रहा है, प्रॉपर है, वन पीस में आपको मिलेगी, और इसे लगाने से आपकी जो गाड़ी का कारपेट है वो डस्ट प्रूफ हो जाता है, वाटर प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ देखिए इसका इंस्टॉलेशन चल रहा है। अब इसके ऊपर आप चाहें ना तो 70 मैट, 40 मैट, पीवीसी मैट, कोई भी मैट इसके ऊपर एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इंस्टॉलेशन अभी चल रहा है और उसके बाद मैं आपको इंस्टॉल होने के बाद का भी बताऊँगा। यहाँ हम बात करेंगे डैशबोर्ड की, एयरबैग आपको मिल जाते हैं काफ़ी बढ़िया चॉकलेट कलर में, आपको यहाँ पर डिज़ाइन के साथ में डैशबोर्ड दिया है, यहाँ पर आपका कंपनी का टच डिवाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, एसी के कंट्रोल्स बटन यहाँ पर दिए गए हैं, और यहाँ पर देखिए सी टाइप का पोर्ट यहाँ दिया है, 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट यहाँ दिया है और यूएसबी का पोर्ट यहाँ पर दिया है, तो पेन ड्राइव वगैरह यहाँ लगा सकते हैं। पीछे साइड में एसी का वेंट यहाँ पर आपको मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया। यहाँ पर कंपनी ने आर्मरेस्ट नहीं दिया, तो हमारे पास में आर्मरेस्ट है बॉटल होल्डर के लिए, यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया। ऊपर में देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर एलईडी आपको दिया गया, सीएनजी वेरिएंट है तो यहाँ देखेंगे सीएनजी टैंक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसका, तो ये सीएनजी वेरिएंट है ऑरा का। चलिए अभी यहाँ बात करेंगे क्लैडिंग की, अभी क्लैडिंग क्या होती है इसके बारे में बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना इसे क्लैडिंग कहा जाता है, ब्लैक कलर की है, प्रॉपर है, फोर पीस में मिलती हैं, इससे आपका गाड़ी का जो डोर है वो प्रोटेक्ट भी रहता है और लुकिंग वाइज भी बहुत बढ़िया लगता है। तो देखिए क्लैडिंग यहाँ पर लगा दी गई है गाड़ी के अंदर, अभी लैमिनेशन का काम तो चल ही रहा है। इसके अलावा सीट कवर की बात करेंगे तो यहाँ देखिए ये जो है ये सीट कवर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर इंस्टॉल किए गए, काफ़ी खूबसूरत है, चॉकलेट कॉम्बिनेशन गाड़ी के इंटीरियर से मैचिंग यहाँ पर लगाए गए, तो आप देख पाएंगे ब्लैक एंड चॉकलेट कॉम्बिनेशन, क्रॉस नेट ये फैब्रिक है आप देख पाएंगे यहाँ पर, और काफ़ी बढ़िया इसका कम्फर्ट आपको मिलेगा। तो ये सीट कवर्स का इंस्टॉलेशन यहाँ पर हो चुका है, तो ये सीटें जो है वापस से रीइंस्टॉल होंगी लैमिनेशन लगने के बाद में। तो हमारी ऑल न्यू ऑरा कार जो कि आप यहां पर देख पाएंगे, इस एसेसरीज का काम इसमें अभी चल रहा है, और वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, अभी लैमिनेशन फिर सीट इंस्टॉल करने के बाद में आपको इसके अंदर और क्या एसेसरीज डलेंगी वो भी मैं आपको बताता हूं। सो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं ये जो लैमिनेशन है उसका इंस्टॉलेशन हो चुका है, तो इसने पूरे जो कारपेट को है ना पूरा कवर कर लिया है, और ये जो है
इंस्टॉलेशन आप देख पाएंगे, यहाँ पर फाइबर पार्ट के अंदर ही सारा का सारा सील कर दिया है। तो अब डस्टिंग की कोई भी प्रॉब्लम आती है, गीले कपड़े से इसको साफ़ कर सकते हैं आप, इसके ऊपर अलग से मैटिंग भी डलवा सकते हैं। तो ये फ्लोर लेमिनेशन आप अपनी गाड़ी के अंदर ज़रूर लगवाएं। तो ये हमारा ऑरा का फ्लोर लेमिनेशन का इंस्टॉलेशन यहाँ पर हो चुका है। इसके अलावा देखिए गैलियो कंपनी की ऑरा की ये मिल जाती है फुट स्टेप, एल्यूमिनियम की बनी हुई है और काफ़ी बढ़िया है। ऑरा इसके ऊपर लिखा हुआ भी आता है। सेट ऑफ फोर पीस आपको ये मिलते हैं और एक ये ना मोटा था। ओ ये जो चीज़ है ना भाई, ऑरा गाड़ी के लिए काफ़ी बढ़िया है। आप भी अब प्रेफर कीजिए अपनी, आपके पास यदि ऑरा गाड़ी है तो। भाई इसके अलावा आपको मिल जाता है वुडन आर्मरेस्ट। तो अभी देखिए सीटों को हम लोग ने वापस से रीइंस्टॉल कर दिया, लेमिनेशन हमें लग चुका है। आर्मरेस्ट कैसे लगाया जाता है तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पर है आपका वुडन आर्मरेस्ट और इसे सिंपली हैंडबैग के पास में ले जाकर रखना रहता है, क्योंकि प्रॉपर डिज़ाइन किया गया है ऑरा गाड़ी के लिए। तो बढ़िया चीज़ है ये, लॉन्ग जर्नी के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ले जाकर रख दिया और ये हो गया इंस्टॉल। दोनों सीटों के बीच के गैप को ये काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर कर लेता है। ऊपर में कुशनिंग की गई जिस पर आप अपने आर्म्स को होल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से हैंडबैग लगाने में कोई परेशानी नहीं आती, इजीली आप हैंडबैग लगा सकते हैं। फ्रंट में आपका बॉटल होल्डर कंपनी वाला ऑलरेडी है और यहाँ देखिए तो देखिए इस तरीके से आप ईजिली हैंडबैग भी लगा सकते हैं। समय इंपॉर्टेंट, कोई स्क्रू फिटमेंट वगैरह नहीं है, इसे आप अपनी गाड़ी के लिए प्रेफर कर सकते हैं। जब भी लगाना है लगा लीजिए, निकालना है निकाल लीजिए। अब बात करें सीटों की तो देखिए जो सीटें हैं वो भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, ये अपनी जगह से हिलता नहीं। देखिए बढ़िया तरीके से इस तरीके से मूवमेंट भी आप कर सकते हैं। तो ये वुडन आर्मरेस्ट जो है ना ऑरा गाड़ी के लिए डिज़ाइन किया गया है और काफ़ी बढ़िया इसका रिस्पांस भी है। बैक साइड में एसी वेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, देखिए इजीली यहाँ पर आपका एसी जो वेंट है वो भी वर्क करेगा। दोनों सीटों के बीच के गैप को इजीली इसने कवर कर लिया है। पीछे में एक मोबाइल पाउच दिया गया जिसे हम मोबाइल फ़ोन को आप कैरी करके रख सकते हैं। प्रीमियम क्वालिटी का लेदर यूज़ किया गया है जो कि आपकी गाड़ी के सीट कवर से मैचिंग हो जाता है। तो ये बढ़िया सा वुडन आर्मरेस्ट है। तो ऑरा गाड़ी खरीदिए तो उसमें ये भी आप एड ऑन कर लीजिए, वुडन वाला आर्मरेस्ट। प्लास्टिक वाला आर्मरेस्ट लगाते हैं, फाइबर वाला लगाते हैं तो उसमें से आपको स्क्रू फिटमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा उसमें से कुछ टाइम बाद आवाज़ भी आने लगती है। तो भाई ये थी हमारी ऑरा गाड़ी की एसेसरीज। इसमें से कोई भी चीज़ आपको पसंद आती है, आपको चाहिए तो बिल्कुल हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको होम डिलीवर करा देंगे। तो मिलता है ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।